हेलो जी, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं पूनम और ये मेरा चैनल द यूनिवर्स। आज एक जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ लिब्रा के लिए। हमारा सबसे पहला कार्ड है लिब्रा के लिए, वो है द टावर। टावर हमेशा ये नहीं दर्शाता है कि कुछ ख़राब होने वाला है। द टावर का मतलब है कि लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, आप चेंज हो रहे हैं, आपका जीवन के प्रति नज़रिया चेंज हो रहा है, आपका लोगों को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, आप हर चीज़ को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर रहे हैं लिब्रा। पास्ट का जो भी पुराना था, जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, उसको आप लेट गो कर रहे हैं। आप पुरानी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो घर में पड़ा हुआ कोई आपका पुराना कपड़ा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो घर में रखी हुई जो अब सर्व नहीं कर रही हैं या आपके काम की नहीं है, वो आपको किसी को दे देनी चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को जो उसके काम की हो। तो द टावर हमें चेंज के बारे में बताता है कि लाइफ में चेंज आ रहा है, आप जो भी पुराना है उसको लेट गो कर रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वाओ, नेक्स्ट कार्ड है हमारा द फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये बता रहा है कि आपकी लाइफ 360 डिग्री कोर्स से चेंज होने वाली है। 360 डिग्री के कोर्स से चेंज आ रहा है लाइफ में और आप अबंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं। मे बी पास्ट में आप काफ़ी कुछ सोचते रहते थे कि मुझे ये करना है, करूं या नहीं करूं, वो करना है, करूं या नहीं करूं, काफ़ी इंडिसाइजिव मोड में थे आप, दुविधाग्रस्त थे, और उस दुविधा से आपको बाहर निकलने का वक्त आ गया है। आपकी लाइफ चेंज हो रही है और डिवाइन आपको हेल्प कर रही है। डिवाइन द जस्टिस, आपने पास्ट में बहुत कुछ वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, चीज़ों को ठीक किया है, तो उसके लिए अब गॉड की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फोकस करेंगे जो आपके लिए सही हैं, जो नहीं है उसको आप लेट गो कर देंगे। टावर के नीचे है हमारा कार्ड द लवर्स। में भी कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनके लवर्स उनको पास्ट में बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे थे, या फिर यूँ कहें कि उनके काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा था, कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा था उधर से, तो अब वो चेंज होने वाले हैं। अब उनके अंदर चेंज आ रहा है और उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। उनको ये समझ में आएगा कि आप उनके लिए कितने डेडिकेटेड थे, उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। नेक्स्ट कार्ड है हमारा डियर फ्रेंड्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मे बी अब आप पास्ट से निकलकर अपने कैरियर पर फोकस करने लगे हैं। मैं आपने शायद पास्ट में अपने प्यार पे ज़्यादा फोकस किया है और चीज़ों को अच्छी तरीके से करने के लिए आपने बहुत प्रयास किया है, आपने अपना 100% दिया है, लेकिन सामने से ऐसा नहीं हुआ कि आपको 100% मिला हो, तो फिर आपने सारी चीज़ों से मन हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर और अपने आप पर, सेल्फ लव पर फोकस करने का सोचा, और उसके बाद आपकी लाइफ में चेंज आया है। और आपकी लाइफ में जब चेंज आया है तो देखिए, जस्टिस के नीचे कार्ड आया है हमारा टू ऑफ कप्स। अब आपको वही पर्सन जो आपसे दूर भाग रहे थे,
वही अब आपके लिए लव ऑफर लेकर आने वाले हैं। अब उनको आपकी अहमियत का अंदाज़ा लग चुका है, उनको समझ में आ चुका है कि आप उनके लिए कितने वैल्यूबल हैं। अब उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो आपसे दूर हैं लेकिन आपसे दूर होकर वो काफ़ी दुखी हैं, रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं जो उन्होंने पास्ट में किया आपके साथ, और गॉड से प्रे कर रहे हैं कि वो आपको उनकी लाइफ में वापस भेज दें। नेक्स्ट कार्ड है हमारा डेथ। डेथ दो बार आया है, मीन्स उनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं, पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, और आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। वो आपके लिए ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, मे बी आपको एंगेजमेंट के लिए प्रपोज़ करें, शादी के लिए प्रपोज़ करें। नेक्स्ट है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स। मे बी पास्ट में उन्होंने अपने बिजनेस और जॉब की वजह से आप पर फोकस नहीं किया, आपको ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से आप काफ़ी दुखी थे, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब उनकी समझ में आ चुका है कि मनी और जो भी हमारी भौतिक सुविधाएँ हैं, सुख सुविधाएँ हैं, उनके ऊपर आपका रिश्ता है, आपका रिश्ता उनके साथ सोल लेवल का है। नेक्स्ट कार्ड हमारा सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सोच में है कि कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे आपको मनाया जाए, ऐसा क्या तरीका करें वो जिससे कि चीज़ें सब कुछ पहले की तरह सही हो जाए। आपके पास ऑफ़र आने वाला है, मे बी मैरिज प्रपोज़ल हो, मे बी इंगेजमेंट प्रपोज़ल हो, लव प्रपोज़ल हो। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप पूरी तरह से अपनी फॉर्म में हैं, आपको ये लगता है कि ठीक है मैं अब कुछ नहीं करूँगी इसमें, अगर सामने वाले को मेरी ज़रूरत होगी तो वो खुद से मेरे पास आएंगे, और आप अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर, अपने कैरियर पर और अपने सेल्फ लव पर फोकस कर रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी लिब्रा वालों के लिए जुलाई मंथ की रीडिंग। अब देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए साईं बाबा की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच असेंडेड गाइड्स, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, लक, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है, और बहुत अच्छा समय आने वाला है, और काफ़ी लोगों की लाइफ में तो चेंज आ गया होगा, अच्छे समय ने दस्तक दे दी होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग थी, जिनसे भी रेजोनेट होती हो तो डियर फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स।